हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यूज़ ब्लॉग रिकल टीवी ब्लॉग में आपका दिल से वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ठीक है। मेरी थोड़ी सी तबीयत का इशू है, फिर से मैं जा रही हूँ डॉक्टर के लिए वहाँ दिखाने के लिए। इस बार पता नहीं क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा हरदम तबीयत ख़राब हो जा रही, कभी कुछ हो जा रहा कभी कुछ हो जा रहा। तो अभी भी फिलहाल तबीयत ठीक नहीं चल रही है, कुछ पर्सनल दिक्कत हो गई है, तो मैं वहीं जा रही हूँ डॉक्टर के वहाँ। और अभी मैं रेडी होकर बैठी हूँ डॉक्टर के वहाँ जाने के लिए। यहाँ दारिम देखे मेरी पर्स चेक कर रहा, मुझे 10 रुपये चाहिए। रखो मेरा पर्स, पर्स में से कुछ मत निकालो। दारिम को मैंने सुला दिया क्योंकि दारिम कह रहे दुरूद को मैंने सुला दिया क्योंकि दुरूद के सोने का टाइम था। बार बार दारिम ही मेरे मुंह से निकलता है क्योंकि ये बड़ा है, तो बार बार दारिम ही दारिम बोलती हूँ। लेकिन दुरूद अभी फिलहाल सो गया है और दारिम मेरी पर्स का देख रहे हैं, आप चेकिंग कर रहे हैं। और मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि वो आए, तो मैं फटाफट से डॉक्टर के वहाँ चली जाऊँ। अब देखती हूँ डॉक्टर क्या बताता है, क्योंकि इस साल इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है तो मुझे डर ही लग रहा है डॉक्टर के वहाँ जाने से कि डॉक्टर अब क्या बताने वाले हैं, अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा। अब जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अभी तो जाऊँगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि बारिश हो रही है, कितना अच्छा मौसम है बाहर, वो सब तो आपको देखने की। आज दारिम के स्कूल का रेनी डे भी था, कल मूर्ति विसर्जन की छुट्टी थी, परसों संडे था। तो दारिम की आजकल बड़ी मौज चली, सिर्फ छुट्टी छुट्टी मना रहा है, खूब घूम रहा है, खूब मस्ती कर रहा है। और अब होने वाला है एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में इनकी हालत नहीं ख़राब होगी, मेरी हालत ख़राब होगी क्योंकि मुझे ही पढ़ाना रहता है। और मैं कह रही हूँ दारिम से कि पढ़ो बेटा पढ़ो बेटा, लेकिन ये बदमाशी देखे, बदमाश बच्चा खाली बदमाशी करता रहता है। हस्बैंड आ गए हैं मुझे लेवाने के लिए, तो मैं डॉक्टर वहाँ के लिए निकल गई हूँ। और अभी हम डलवा रहे हैं गाड़ी में तेल, और यहाँ देखिए पानी भी लगा हुआ है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है। और मौसम देखिए कितना सुहाना दिख रहा होगा आपको, हवा थोड़ा कम हो गई है, अभी हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। और पानी भी हर जगह लगे हुए हैं क्योंकि बारिश अभी भी रुकी हुई है। और हस्बैंड को भी आप मेरे देख रहे हैं, काफ़ी हद तक क्लीन शेव हो गए हैं। और फिर यहाँ से हम जा रहे हैं डॉक्टर के वहाँ के रास्ते पे। तो मैं आपको रास्ता इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो गया है, तो मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। और इस सब मौसम में अगर आप स्कूटी से जाते हैं तो आपको और मज़ा आता है। और ये डॉक्टर काफ़ी दूर बैठते हैं, जहाँ मेरा घर है वहाँ से काफ़ी दूर है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ जाने में। करीब हम डॉक्टर के वहाँ पहुँच गए हैं, और जिस रोड पे डॉक्टर की क्लिनिक है वहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा पानी लगा हुआ है। और मैं स्कूटी से बार बार स्लिप कर रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो भी साथ में बना रही हूँ। तो हस्बैंड बोल रहे हैं वीडियो बनाना छोड़ो और मुझे कस के पकड़ के बैठो, कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ, और इस पानी में गिरोगी ना तो मैं तुम्हें उठाऊँगा भी नहीं। तो मैं हंस भी रही हूँ, लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि इस रूट से हम आगे कैसे बढ़ें क्योंकि इतना ज़्यादा पानी लगा हुआ, अगर मैं गिर गई तो मेरे क्या होगा। तो हस्बैंड वही समझा रहे हैं कि अच्छे से बैठो अच्छे से बैठो, और मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं मेरा पैर ना स्लिप कर जाए। फिलहाल पानी ख़त्म हो गया है, अब हम डॉक्टर के क्लिनिक के लगभग पहुंच ही चुके हैं। और ये रोड भी देख रहे हैं अभी बनी हुई है न्यू, यहाँ पर तो अभी कॉलोनी बस रही है तो इस वजह से यहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा है। और घर अभी गली जो है, मतलब जो रोड है ना, वो पूरी तरह से क्लीन नहीं हुई हो पाई है। तो अब हम डॉक्टर वहाँ लगभग पहुँच ही चुके हैं। और जब मेरी शादी हुई थी ना, तो ये सारी रोडें जो थी ना, ये जंगल टाइप की लगती थी, लेकिन अब देखिए ये सब बन चुके हैं, यहाँ पर सारी न्यू कॉलोनी बस चुकी है। और अब हम डॉक्टर के वहाँ पहुँच चुके हैं, तो डॉक्टर काफ़ी अंदर बैठते हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगता है जाने में। लेकिन ये मुझे डॉक्टर सबसे अच्छे लगते हैं क्योंकि इनकी दवाई मुझे सूट कर जाती है और ज़्यादा आना भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ डॉक्टर के वहाँ, और मैं वेट कर रही हूँ अपने नंबर का कि कब मेरा नंबर आएगा और मैं दिखाऊँगी, लेकिन हस्बैंड ने पहले ही नंबर लगा दिया था। तो फ्रेंड डॉक्टर के वहाँ से मैं होकर आ चुकी हूँ, और डॉक्टर ने खैर अभी कुछ ऐसा बताया नहीं है, एक हफ्ते की दवा दी हुई है और कहा है कि 3-4 दिन बाद आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा। तो यहाँ है मेरी सारी दवाएँ, ये है मेरी दवा। तो जिस डॉक्टर के वहाँ जाती हूँ ना, तो ये थोड़ा सा अच्छा है कि थोड़ा कम दवा मिलती है। तो अब ये दवा मुझे कंटिन्यू 1 हफ्ता खाना है, फिर उसके बाद दिखाती हूँ फिर। और अल्ट्रासाउंड भी तो कराना ही है। और जब मैं आई थी तो दारिम और दरूद उठ चुके थे, दारिम तो खैर ट्यूशन पढ़ चुका था और दरूद सोकर उठ गए थे। तो मैं फ़ौरन आकर किचन में लगी क्योंकि रात का डिनर भी रेडी करना था। तो आज मैंने खाने में बनाए हुए हैं मटर पनीर की सब्ज़ी और दाल चावल। तो हस्बैंड भी आ गए हैं, और अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं वीडियो बना रही हूँ। और हस्बैंड आ गए हैं, वो किचन में है, तो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं किचन में, आज कुछ नया बनाने जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं।
हाँ तो फ्रीज व्रीज खुली हुई है तो जरूर कुछ, हाँ तो फ्रीज व्रीज खुली है तो लग रहा है कि कुछ बनाने वाले हैं, तो चलिए किचन में भी दिखाती हूँ क्या बना रहे हैं। देख क्या कर रहे हैं, ये देखिए हाथ भी काट लिया, क्या कर रहे थे? अच्छा आप अपने लिए अंडा फ्राई करने जा रहे थे तो अंगूठा काट लिया। अब बताया ना मैंने कि पनीर की सब्जी बनी हुई है, तो हस्बैंड मेरे पनीर की सब्जी नहीं खाते हैं, तो वो अपने लिए फिर से अंडा फ्राई कर रहे हैं, अंडा फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ फिर से वही प्याज की कटिंग चल रही है, अभी वो फिर से अपना अंडा खूब टेस्टी बनाएंगे, लेकिन हाथ कट गया उसका अफसोस हो रहा। निकल लाना खून, नीचे कॉकरोच है। ओ माय गॉड, आप क्या करें, पापा का बैग लटका के घूम रहे हैं, स्लीपर भी नहीं पहने हैं। अंडा बन रहा है, गुरु हट जाइए, पीछे हट जाइए, पापा बहुत अच्छे से पलटते हैं, ये परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा हम आज तक ऐसे नहीं बना पाए, आज तक हम ऐसे अंडा नहीं बना पाए जैसे आप बनाते हो। हाँ दारिम खाना खाया, हाँ दारिम खाना खा लिया है। आप अंडा रेडी हो रहा है, आपका अंडा रेडी हो, आपका अंडा नहीं तवे पे अंडा डाला। अदरूदी क्या कर रहा है, ये सेकंड टाइम पलटने की, ओ वाह परफेक्ट, वाह ओहो सुपर ग्रेट जॉब। लास्ट टाइम और है क्या, एक बार एक बार और डेमो दिखा रहे क्या, एक बार है, वन 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 वन, टूट गया, देखो गिर जाएगा तवा। अच्छा ऑमलेट ज़्यादातर अपने हाथ से ही हस्बैंड को बनाना पसंद है और खाना भी पसंद है, उनको अपने हाथ का ऑमलेट बहुत पसंद है और बच्चों को भी पसंद है। अब यहाँ पापा जा रहे हैं सेकेंड टाइम दारिम का बनाने, क्योंकि दारिम हमेशा कहता है पापा अपने हाथ का अंडा मुझे बनाकर खिला दीजिए। तभी दारिम है नहीं, वो बिग बॉस देखने गया है, बिग बॉस स्टार्ट है, तो दारिम और उनकी दादी को बिग बॉस बहुत अच्छा लगता है, वो लोग गए देखने के लिए। चम्मच देना पड़ेगा इनको, देख लीजिए दरूदी को, चम्मच दे दो, चम्मच क्या लेंगे आप? अच्छा ये दरूद के हाथ में आप प्लेट देख रहे हैं फ्रेंड, ये प्लेट इसलिए लिया हुआ है कि ये चम्मच से बजाएगा, इसका डेली का काम है। हाँ देखिए बाजा है, ये डेली का इसका काम है कि चम्मच लेके इस तरह से बजाएं। हाँ दलित क्या ने बाजा है मेरी सुना, दारू बंद करो। और यहाँ हमारा रात का डिनर लग गया है, पनीर की सब्जी, दाल, अंडा फ्राई, सब खाना लग गया है। और ये दरूद को जो मैं आपसे कह रही थी ना, ये दरूद वही काम कर रहा है, अभी मैं बेडशीट बिछा कर सही करके गई हूँ, तो दरूद उसको भी खराब करके और अपना ये तबला बाजा जो है बजा रहा है। और यहाँ दारिम के पापा फिर से दारिम का अंडा रेडी कर रहे हैं, क्योंकि उसको भी एक फ्राई पसंद है तो वही बन रहा। और ये है दारिम का अंडा यानी एक फ्राई, तीसरा ऑमलेट ये फ्राई हो रहा है, दो ऑमलेट फ्राई हो चुका है और ये तीसरा ऑमलेट फ्राई हो रहा है। ये है पनीर की सब्जी जो मैंने बताया था कि आज मैंने बनाई है मटर पनीर की सब्जी, और यहाँ वही फ्राई हो रहा है, फिर से हस्बैंड ही है वही फ्राई कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं को अच्छा लगता है इस तरह से फ्राई करना। और यहाँ दारिम भी आ गया है, डांस करके के मजा आ गया, अंडा फ्राई रखा हुआ है, खा लो जल्दी ये बना के आइए, बहुत एक काम है। तो फ्रेंड अब हम जा रहे हैं रात का खाना खाने के लिए, खाना तो मैंने आपको दिखा दिया कि लग गया है और सब बच्चे भी साथ ही में बैठे हुए हैं, जिसको जो खाना होगा वो खाएगा। तो फ्रेंड चैनल पे नया आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये छोटा सा वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स और लाइक के जरिए। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल जरूरी है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय 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 बाय।